हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल मैंने कहा था कि मैं सुबह 7:30 बजे लाइव होऊंगा फेसबुक पर और एक्टिंग के कुछ बेहतरीन टिप्स दूंगा। तो 7:30 बज चुके हैं एंड आई एम लाइव। एंड जो बात आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो किसी भी एक्टर की जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मुझे बहुत सारे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया साइट्स पर मुझे ये रिक्वेस्ट आते हैं और एक्टर्स पूछते हैं, और ज़्यादातर एक्टर्स का सबसे पहला सवाल और सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टिंग के फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, वो उनकी जर्नी कन्फ्यूजन से शुरू होती है। और मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा तो ही हम कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो सवाल है कि हम कहां से शुरू करें, हम कैसे शुरू करें, उस सवाल का जवाब ये है कि आप अपने आप से शुरू करें। सबसे पहले अपने आप को समझने की कोशिश करें। एक्टर जैसे एक डांसर का इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक, और या डांस फ्लोर एक म्यूजिशियन का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका हारमोनियम या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजाता है, उसी तरह एक्टर का इंस्ट्रूमेंट होता है उसका शरीर, उसका बॉडी, उसका हार्ट, उसका माइंड, उसका सोल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने शरीर को समझें, अपने सोल को समझें और अपने क्राफ्ट को आगे बढ़ाएं। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी एक्टर की नई जर्नी शुरू होती है, जब एक्टर ये सोचता है कि मैं एक्टिंग के फील्ड में जाऊंगा, कोई भी इंसान जब ये सोचता है कि मैं एक्टिंग के फील्ड में जाऊंगा, तो उसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब उसे पहली बार कोई अप्रिसिएशन मिला हो। जैसे बचपन में कोई नाटक किया हो, या स्कूल के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, या सोसाइटी के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, और वहाँ से जर्नी शुरू होती है। तो पूरी आगे की जो जर्नी है वो पूरी जर्नी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है उस एक अप्रिशिएशन पे, और पूरी ज़िंदगी एक्टर अप्रिशिएशन के लिए भटकता रहता है, बट वो गोल नहीं होता है एक एक्टर का। समझने वाली बात है, जब आप एज एन एक्टर जर्नी शुरू करते हो तो यहाँ से शुरू करते हो, और समझ लीजिए पॉइंट ए से शुरू करते हैं आप अपनी जर्नी। वहाँ कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं कि आगे क्या किया जाए, और वो जर्नी का एंड होता है अप्रिशिएशन। हर इंसान चाहता है स्टार बनना, ऑटोग्राफ साइन करना, लोगों के अप्रिशिएशन प्राप्त करना, अवार्ड्स प्राप्त करना, लेकिन वो हमारा गोल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा एक्टर तभी एक अच्छा एक्टर बन सकता है जब वो अप्रिशिएशन और रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स को भूलकर एक्टिंग को परफॉर्म करना या एक्टिंग को प्रैक्टिस करने का जो जॉय है उसका जब तक वो आनंद नहीं ले पाता है, तब तक वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता है। इसलिए हम सबको, हर एस्पायरिंग एक्टर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल पॉपुलैरिटी नहीं हो सकता है, आपका गोल फेम नहीं हो सकता है, आपका गोल ग्लैमर या पैसा या ऑटोग्राफ्स या सेल्फीज़ या रिवॉर्ड्स या अवार्ड नहीं हो सकता है। आपका गोल होना चाहिए वो बीच वाली जर्नी, जहाँ पे आप क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के ज़रिए अपने आप को ढूंढे, अपने आप को समझे, जो कैरेक्टर्स आप प्ले करें उस कैरेक्टर के ज़रिए आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें। और यकीन मानिए कि उस जर्नी में इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है। जब आप एक्टिंग के क्राफ्ट को, आप एक कैरेक्टर को जब ट्रुथफुली निभाते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, एक शब्द है, उस शब्द के ऊपर आपका पूरा क्राफ्ट डिपेंड करता है, और वो शब्द है रिलैक्स। बीइंग रिलैक्स्ड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। कैसे?
जब तक आप रिलैक्स नहीं हैं, जब तक आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक आप अपने आप पर बहुत सारे प्रेशर्स डालते हैं, और वो प्रेशर्स डालने की वजह से आपके परफॉर्मेंस में वो बात नहीं आ पाती है जो होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑडियंस आपको देखने के लिए आई है वो ट्रुथ ढूंढ रही है, उसको एक सच्चाई देखनी है। चाहे आप थिएटर एक्टर हो, चाहे आप फिल्म एक्टर हो, आपको ऑडियंस इसीलिए पसंद करती है जब आप उसके साथ उसको उसके अंदर भाव पैदा कर सके, जब आप अपनी ऑडियंस के अंदर भाव पैदा कर सके, और वो भाव तभी पैदा होंगे, वो रस की उत्पत्ति, वो इमोशंस तभी पैदा होंगे जब आप खुद ट्रुथफुल होंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू लिव द कैरेक्टर ट्रुथफुली, और वो ट्रुथफुली कैरेक्टर को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहें। अब रिलैक्स कैसे रहें, तो रिलैक्स रहने के लिए ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये मेंटल प्रोसेस है। आपको अपने दिमाग को ट्वीक करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इस काम के करने या ना करने की वजह से किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाए, ऐसा नहीं है। आर्ट हमारी सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट आर बेसिक नेसेसिटी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपका आर्ट नहीं होगा तो भी ज़िंदगी चलेगी। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप अपने क्राफ्ट को लेकर रिलैक्स रहेंगे, आप अपने आप को लेकर रिलैक्स रहेंगे, और जब तक आप रिलैक्स नहीं हैं तब तक आप अपना परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं कर पाएंगे। सो मेरा आज का टिप है, try and teach to learn to be relaxed, teach yourself how to be relaxed, और relax रहने के लिए आपको mental tweaking करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि मुझे tensed नहीं होना है, क्योंकि चाहे आप थिएटर में काम कर रहे हो, चाहे आप फिल्मों में काम कर रहे हो, जब तक आप relaxed नहीं हैं, जब तक आप शांत नहीं हैं अंदर से, तब तक आप उस जगह पे नहीं रह पाओगे, उस टाइम और स्पेस में ट्रुथफुली नहीं रह पाओगे, और तब जब तक आप ट्रुथफुली नहीं रह पाओगे आप अपने क्राफ्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहें, और रिलैक्स रहने के लिए अपने आप को बार बार समझाइए कि रिलैक्सेशन से ही होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझे कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इससे दुनिया रुक जाएगी अगर मैं नहीं करूँगा तो रिलैक्स रहना समझिए, क्योंकि आपका काम जो है, एक एक्टर का काम है दूसरों को एंटरटेन करना, दूसरों के जीवन में खुशियाँ देना, दूसरों के लाइफ में, आपकी ऑडियंस के मन में इमोशंस का भाव पैदा करना, इमोशंस को पैदा करना। तो इसलिए रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स रहने के लिए अगर फिज़िकली आप, हालांकि मुझे लगता है कि ये सारी मेंटल बातें हैं, सारा साइकोलॉजिकल खेल है, जब तक आपकी साइकोलॉजी इस बात को, आप अपनी साइकोलॉजी को ये बात नहीं समझा देते हैं कि मुझे रिलैक्स रहना है, तब तक आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो हर एक्टर, हर एस्पायरिंग एक्टर जो अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, उसको मैं सिर्फ ये बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना सिखाइए। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप ट्रुथफुल नहीं होंगे। तो रिलैक्स रहने के लिए आपको मेंटल ट्वीकिंग, यानी अपने आप से, हम ज़्यादातर ज़िंदगी में जिसको हम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, या मैं चिंतन कर रहा हूँ, या मैं मनन कर रहा हूँ, वो अल्टीमेटली करते क्या हैं, हम अपने आप को कहानियाँ सुनाते हैं, हम अपने आप से बात करते रहते, एक हम है और एक हमारे अंदर एक न्यूट्रल बीइंग है, जिसको हम आत्मा कह ले या सोल कह ले, उसके साथ हमारी कंटिन्यूसली बातें चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि उन बातों को माइट एज वेल टेल अ गुड स्टोरी, वी आर कंटिन्यूसली टेलिंग अ स्टोरी टू आवर सेल्फ, सो इट इज़ very important that we tell a good story to ourselves. So first, try to learn to tell good stories to yourself. Try to learn to be relaxed. Jab tak aap relax nahi honge, tab tak aap truthful nahi honge. To apne aap ko relax hona sikhaiye.
ये साइकोलॉजिकली हो सकता है, लेकिन अगर फिजिकली आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आपका ब्रीथ। अपने ब्रीथ पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे स्लोली स्लोली ब्रीथ कीजिए, जैसे मैं अभी आपको एक मिनट के लिए करके दिखाता हूँ। ज़्यादातर लोग जब ब्रीथ करना सिखाते हैं या सीखते हैं तो वो ब्रीथ ऐसे करते हैं और टेंस्ड हो जाते हैं। ब्रीदिंग ऐसे कीजिए कि आपको भी पता ना चले कि आप ब्रीथ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको पता चले, मतलब आपको तो पता चलेगा ही, लेकिन ऐसे ब्रीथ कीजिए कि उसमें भी टेंशन ना हो। जैसे बहुत आसानी से ब्रीथ कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये प्रोसेस बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल आसान होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 99% ऑफ द स्टूडेंट के साथ कन्फ्यूजन ये होता है, जब भी ब्रीदिंग की बात आती है तो वो टेंस्ड होते हैं और इस तरह से ब्रीदिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, योगा करते हुए लोगों को देखा हुआ है, सिखाने वालों को देखा हुआ है, जो ब्रीदिंग कुछ इस तरह से करते हैं। ये ब्रीदिंग नहीं करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत जब हम आगे वॉइस एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तब पड़ेगी। फ़िलहाल आपको ब्रीथ करना है बहुत ही नेचुरली, बहुत ही ऑर्गेनिकली, ताकि आपके मैकेनिज्म को समझ आए कि आपको रिलैक्स रहना है। लाइक दिस, जब आपकी ब्रीदिंग आसान होगी, जब आपकी ब्रीदिंग ऑर्गेनिक होगी, आपके मैकेनिज्म को समझ में आ जाएगा कि आपको रिलैक्स रहना है और आपका ये शरीर, आपका इंस्ट्रूमेंट ही आपको एज एन एक्टर हेल्प करेगा। गुड मॉर्निंग ज्ञान सर, गुड मॉर्निंग कोयल, दीपक, सुदीप्तो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, राजा कुशवाहा, थैंक यू कोयल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, राज सर, गुड मॉर्निंग। तो आज का टिप यही है कि एक जो एक्टर्स का सबसे बड़ा सवाल होता है, एस्पायरिंग एक्टर्स का, खास करके जिनको पता नहीं है कि कैसे इस जर्नी को शुरू किया जाए, तो उसका जवाब ये है कि इस जर्नी को शुरू कीजिए अपने आप से। आपका शरीर ही आपका इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरी बात, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि रिलैक्स रहना सीखिए। थैंक यू सो मच। बाकी मैं बहुत जल्द यानी कि कल से ही अपने ट्यूटोरियल्स शुरू कर रहा हूँ, जो कोर्सेज के लिए, एक्टिंग कोर्सेज के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो आप फ्री में सीख सकते हैं। आपको YouTube पर रोल एक्सप्लोर स्टूडियो के साइट पर जाना है, चैनल पर जाना है और ये वीडियोस देखने हैं, जो कि आपको लाखों रुपए का मटेरियल, लाखों रुपए के एक्टिंग क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स और मे बी टुडे इवनिंग वी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ट्यूटोरियल्स, वेरी स्मॉल स्मॉल ट्यूटोरियल्स विच आर ईजी टू फॉलो। हाई शिखर, गुड मॉर्निंग। तो आप रोल एक्सप्लोर स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और जिन कोर्सेज के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ में और एक्टिंग कोचिंग क्लासेस में हज़ारों और लाखों रुपये खर्च करते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू रिमेम्बर एंड डू प्रैक्टिस कि आप रिलैक्स रहे। रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। एक रिलैक्स्ड एक्टर ही ट्रूथफुल एक्टर होता है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, आई मीन गुड बाय।